さんこんにちは。お元気ですか？お元気だと思いますが、今日の単語は気に入る、気に入るになります。この店が気に入る、気に入るの意味は、अगर आप किसी दुकान जाते हैं और वो आपको पसंद आ जाती है तो जापानीज में हम बोलते हैं कि नी इरु यानी पसंद करना लाइक करना कोनो मिसे मिसे का मतलब दुकान कोनो मिसे गा कि नी इरु कोनो मिसे कोनो जो है आर्टिकल है उस दुकान को हम मतलब ये दुकान वो दुकान पसंद है ठीक है ये दुकान हमें पसंद है तो हम बोलेंगे कोनो मिसे गा कि नी इरु気に入っている、気に入っている帽子。気に入っている、入っている帽子。どの帽子だって、気に入っている帽子。気に入っている帽子が、帽子が、キャップ、or 気に入って、入っている、入っている帽子。やに、じょ、あっけ、どれけんだ、パサンヘチーズ。やに、ヘッド、キャップ。बस वो है पसंद क्या कर सकते हैं कीनी इतेरु बोशी बोशी का मतलब हैट तो अगर आपको कोई चीज पसंद है आप बोल सकते हैं कीनी इतेरु बोशी कीनी इतेरु इसमें हूँ अच्छा बिग सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर साइकिन कोनो पान या गा कीनी इते इते युकु खाईनी कुरु最近このパン屋が気に入っていてよく買いに行く。तो यहाँ पर जो है साइकिन का मतलब है के recently recently साइकिन का मतलब है recently कोनो पान या का मतलब बेकरी बेकरी गा पार्टिकल है गा कि नि इते इते युक खाई नि कुरु यानी पसंद है वो बेकरी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस बेकरी जाता हूँ जाती हूँ खाईनी खाईनी का मतलब खरीदने कोनो साइकिन कोनो फाइन या गा खीनी इते इते युक खाईनी कुरु लिटरल मीनिंग है इंग्लिश के अंदर दिस बेकरी इज माई फेवरेट रीसेंट एंड आई ऑफ्टन Come here to buy some bread. Saikin kono pan ya ga ki ni itte itte. Yani mujhe recently bakery bahut pasand hai aur isliye main yahan par bahut zyada khareedne ke liye chahta hu jaati hu. To ye hamara aaj ka vocabulary word tha ki ni iru. Agar aapko koi pasand hai ladki ya ladka agar aap jo bhi pasand hai aapko तो आप उसके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं खानो जोगा खीनी इरु मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ खानो जो बोलते हैं लड़की को गर्लफ्रेंड को तो उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अपने पेरेंट्स पसंद हैं तो उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओ यागा खीनी इरु ठीक है तो यह हमारा आज का वोकैबुलरी वर्ड था तकसान रेन शीर्ष ते कुदासाई ने अतो कुनो दो गाना का ये मीटे तारा जेन जेन वो रहे तो मुझे इंदिस ओ ओ ओ मंदिस के दो कुनो ग्राइ दिस ने क्यों आ इजो दिस अरिगातो गोजाइमास माता ने